हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पूरे जिले में सर्वे करवाकर बिजली के झूलते तारों को ठीक किया जाए, विधायक देवल। 15वीं विधानसभा के छठे सत्र में गुरुवार दिनांक 11 फरवरी 2021 को आयोजित बैठक में रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल ने विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से जालौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के झूलते तारों से हो रहे हादसों को रोकने के लिए पूरे जिले में सर्वे करवाकर झूलते तारों को ठीक कराने का मुद्दा उठाया। देवल ने कहा कि दिनांक 16 जनवरी 2021 को जालौर जिले के महेशपुरा गांव में जैन समाज के तीर्थ यात्रियों की बस, जो जैन तीर्थ स्थलों के दर्शनार्थ आई थी, वो बिजली के झूलते तारों से छू जाने के कारण करंट लगने से जल गई। तत्काल 6 यात्रियों की मौत हो गई और कई यात्री घायल हो गए। ऐसी घटनाएं प्रदेश भर में आए दिन होती रहती है। पूरे प्रदेश में जगह जगह बिजली के तार लटके पड़े हैं। जालौर जिले सहित मेरे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र रानीवाड़ा के गांव में भी ऐसी ही स्थिति है, जो कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। अंत में इस विषय उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में झूलते हुए बिजली के तारों को व्यवस्थित करने या उन पर पीवीसी कोटिंग करके ऊंचा उठाया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, और ऐसी यदि घटनाएं फिर भी होती हैं, तो इसके लिए बिजली विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए, ताकि वो ऐसी लापरवाही करने से बचे। अभी मेरे क्षेत्र में एक लाइनमैन एवं एक प्राइवेट कंपनी के निजी कर्मचारी की मौत भी लापरवाही की वजह से हुई थी, जिसमें शटडाउन लेने के बाद भी बिजली का करंट लगने से मौत हुई। ऐसा कैसे हो सकता है, जब शटडाउन लेने के बाद ही कर्मचारी पोल पर चढ़कर काम करता है, तो फिर बिजली का करंट कैसे लग सकता है। इतनी बड़ी लापरवाही के लिए जो भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी हो, उसके विरुद्ध भी कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी ये सुधरेंगे, वरना ऐसी लापरवाहियां चलती रहेंगी और लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे। सरकार को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जागरूक टीवी के लिए जसवंतपुरा से महेंद्र प्रजापत की रिपोर्ट।